निलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडो ध्वजो मंगलम पुंडरीकाख्य मंगलम पुरुषोत्तमहं माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरन्तु माधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवम्। परात्पर परमेश्वर प्रभु जगत ठाकुर जगन्नाथंकर पदारबिंदरे शतकोटि प्रणाम करि आपण माने समर्पि जाइचंति महाप्रभुंक पाखरे। सूर्य नारायणकर दर्शन मध्य करी सूर्य नारायण को प्रणाम करुछंत। सकल शक्तिर आधार चराचर जगतर चक्षु सही रवि नारायणकर दर्शन ही आमर अभिलाष एकांत लक्ष्य प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्तरु। सूर्य जेतेबेले आसी जांती सकाळ सेतेबेले आसी जांती। सूर्यंकर आगमन सकाळर आगमन सुप्रभात बोली आमे ग्रहण करी था। जो प्रातः समय अत्यंत शांत वातावरण सृष्टि करी था। आज से समुद्र कूलर दृश्य देखुचंती सूर्यंकर उदय पर्व जेतेबेले दर्शन प्राप्त हेउ दिनकर समस्त आशा मेंटी जाए। कार्य न होबा पूर्वर आमे अनुभव करू ना आज समस्त कार्य भलरे भलरे हब। ए कथा गोटे चिंतार शक्ति भितर को आसे बा अनुभव होता है ताहा केवल सूर्यंकर दर्शन प्राप्त जोगु। जो प्रथमे आमे कहिचे मनर स्थिति को प्रथमे आमे संतुलित करिबा आवश्यकता होता है। से सूर्य नारायणकर दर्शनर प्रभाव आम मानसिक स्तर रे पड़ी थाए। कारण मनीष जीवन रे जीवन को जेतेबेले नहीं कि आमे गति करूचे जीवन हेउची स्वल्प किंतु आध्यात्मिक पथ रहिचे अनेक। धार्मिक भावना बा पथ आध्यात्मिक पथ अनेक रहिचे। जीवन भितरे समस्त से समस्या बहुल समस्तंकर किछि समस्या रे जड़ित रही रहिथिबे। तेणु कह जाए जीवन हेउची समस्या बहुल। ए समस्यारु टिके मुक्ति पाइबा आमे त्राही त्राही डाकुथुबा। समस्तंकर जो समस्या भितर समस्यारु मुक्ति पाइबा पाई अनेक साधु सन्यासी माने योग प्राणायाम नानादि प्रकार मार्ग रखिचंती एवं सूर्य नारायणकर दर्शनर क्रम मध्य रखिचंती। प्रायत जेतेबेले जिए भी ए मनर नियंत्रण को आणिबा पाई मन को नियंत्रण करिबा पाई चिंता करिथांती से प्रथमे किछि करिबा को तांकु पड़ी थाए। कारण जो माने भी देखुचंती प्राणायाम योग सूर्योदय पूर्वरु स्नान विधान करिथांती निरोगी रहिथांती उत्तम स्वास्थ्य मध्य पाइथांती। स्वास्थ्य उत्तम रहिबा बा उत्तम स्वास्थ्य उपरे गुरुत्व देउतले साधु संत माने प्रत्येक किछि ना किछि तांकर आ बलिष्ठ शरीर जो सुस्थ शरीर पाई कि आवश्यकता हेथाए किछि शारीरिक परिश्रम जेभली सेभली भावरे योग प्राणायाम आदि भी करिथांती। उत्तम स्वास्थ्य ही आनंदर मूल उत्स। जदि आनंद को आम खोजा शांति खोजा तार मूल उत्स को गले मूल उत्स हेउची स्वास्थ्यर बा आनंदर उत्तम स्वास्थ्य। से उत्तम स्वास्थ्य आरोग्य कामना प्रार्थना करिवार ठाकुर हेउचंती सूर्य देवता। जेते प्रकार रोग थिबो जो प्रकार रोग थिबो पुरुणा रोग हो वर्तमान रोग हो रोगहारक देवता रोगनाशक देवता हेउचंती सूर्य नारायण। स्वतंत्र भाव रे सूर्यंकर एक पूजा मध्य समस्त करिथांती।
लाली पुष्प टिके देइथांती, लाली चंदन देइथांती, लाली वस्त्र देइथांती, अर्घ्य प्रदान करिथांती। एभली भाव सूर्यंकर उपासना करिबा पाई मध्य किछि किछि प्रवर्तक माने प्रवर्तन देइथांती। किंतु काहिकि ना जेतेबेले देखिबे आनंदर मूल उत्स उत्तम स्वास्थ्य से शरीर जत्न नेबा ही उचित, कारण जेतेबेले शरीर मूल्यवान शरीर थिले धर्म करिबे साधन करिबे जहाँ किछि करिबे कि जदि शरीर ठीक न रहे मनुष्य तार आत्म उपलब्ध लक्ष्य हासिल रु वंचित हो जाए। जो लक्ष्यस्थल पहुँचवा कथा जीवन लक्ष्यस्थल गोटे थाए जीवन मूल्यबोध थाए से वंचित हो जदि शरीर ठीक नाई बा शरीर जत्न न निए बा उत्तम स्वास्थ्य न रहे। मनुष्य शरीर समस्त इंद्रिय अंग प्रत्यंग स्नायु ग्रंथि मानक सुसंगठित श्रृंखलित सुसंजोजित हो एक पूर्णांग तथा आनंदप्रद जीवन प्रदान करते। शरीर कौन सी अंश विशृंखला देखागले जीवन धारण शैली बदली जाए कष्टदायक हो पड़े। साधारणतः कौन सी प्रकार रोगटे हेले कौन सी शरीर क्षति हेले मानसिक स्तर रे प्रभाव पड़ी थाए मानसिक मन ठीक न थाए। पूर्णांग आनंद लाभ करिबा परिवर्ते आनंदरु वंचित हेबाकु पड़ी थाए जद्वारा जीवन लक्ष्यस्थल पहुँचवा कष्टकर हो पड़े। कौन सी शरीर जदि विशृंखला देखागले कष्टदायक हो पड़े। यह केवल शरीर अंग प्रत्यंग कष्ट पाती नहीं बर मानसिक स्तर में विशेष भाव समस्त शक्ति समय अवक्षय घटे। तेणु जेतेबेले योग प्राणायाम व्यक्तिर शारीरिक मानसिक वैदिक आध्यात्मिक विकास होइथाय आध्यात्मिक विकास हेबा संगे संगे अज्ञात रोग निराकरण रे साहाय्य करिथाय। जो योग प्राणायाम सूर्य दर्शन ये सब करिबा द्वारा शारीरिक स्तर रे ठीक रहिथाय व्यक्ति मानसिक स्तर रे ठीक रहिथांती बौद्धिक आध्यात्मिक विकास होइथाय। ता सहित जो अज्ञात रोग किसी रोग रही थाए जाणी हो पारे ना तेणु अज्ञात रोग अंतकरण भितर कौन रोग हम कहीं जापरिवे ना हठात जना पड़ न थाए क्रमश से वृद्धि ही जीवन प्रति विपद सृष्टि करिथाय। जो मैंने सूर्य नारायण सूर्य उदय दर्शन करुथिबे तंकर बाह्य रोग अंतकरण रोगर भय न थाए। एभली सूर्यंकर किरणर शक्ति रही थाए प्रभाव रही थाए तेणु प्रत्येक अज्ञात रोग निराकरण रे सूर्य दर्शन मध्य गुरुत्वपूर्ण साहाय्य करिथाए। योग अभ्यास करिबा द्वारा शरीर सुस्थ रहिबा संगे संगे दीर्घायु मध्य दीर्घ जीवन लाभ होइथाए। या मध्य साधु संत मानंकर वाणी रे रही थाए सतसंग रे रही थाए। जो माने योगादि प्राणायाम करिथांती सूर्य नमस्कार करिथांती सूर्य दर्शन करिथांती से माने दीर्घायु सहित जीवन मूल्यबोध को अधिक से उपलब्ध अनुभव करिथांती। तेणु जीवन प्रभुंक हाथरे प्रभुंकर मंगलमय ठाकुरंकर मंगल आरती पतित पावन नारायणंकर सामंत पूजा पंडांकर उपस्थित हेलेनी वर्तमान पूजा पंडा सेवक तांकर सेई प्रभुंकर मंगल आरती बढ़ेबे आमे मंगल आरती दर्शन करिबा परे सूर्य नारायणंकर दर्शन करिबा एवं सेई रोग निवारण पाई ही प्रभुंकर जो माध्यम प्रभु रहिछन्ते कोन कोन माध्यम किभली भाव सूर्य को नमस्कार करिबा से समय सूर्यंकर तथ्य मध्य अनेक रहिछि जानिबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
जगन्नाथ स्वामी।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। परात्पर परमेश्वर प्रभु जगन्नाथंकर प्रतीकात्मक विग्रह पतित पावन नारायणंकर मंगला आरती दर्शन ए प्राप्त आमे प्रभु को कृपारु हेछे। दर्शन भितरे प्रभुंक सत्ता को प्रभु को अनुभव करुथिले। केते दयालु कृपावंत हरि प्रथम बंदापना जतेबेले आमे आरती बंदापना दर्शन करीचे ये महाप्रभुंकर आरतीर प्रथम पर्व। निदरु महाप्रभु उठिले कौनसी प्रकार नीति महाप्रभुंकर हेइनथिला। पतित पावन नारायणंकर द्वार को पूजापंडा सेवक खोलिबा परे कर्पूर आरती प्रथमे तत्पर पंचवती आरती वृत्य सलिता सहित पंचवती दानी द्वारा से पंचवती आरती कहुए। पतित पावन नारायणंकर पंचवती महाप्रभुंकर एकौशीवती आरती बोली कहुए। आज पतित पावन नारायणंकर मंगला आरती दर्शन करिवार अभिलाष जो रखिथिले ताहि प्रथम आमर प्रथम सकाळर प्रथम अभिलाष पूरण महाप्रभु कले। मन भितरर प्रत्येक अभिलाष थाए प्रभुंकर दर्शन प्रभुंकर क्षेत्र को आसीबा प्रभुंकर प्रति किछि समय तो चिंता करितिले। प्रथम अभिलाष महाप्रभुंकर मंगला आरती दर्शन प्राप्त हेइ बेश मैलमर दर्शन प्राप्त हेउछे। वर्तमान जो कार्यटी सेवाटी संपन्न करुछंती पूजापंडा सेवक से प्रभुंकर श्रीअंगरे लागी हुई थिबा बा प्रभु निजे समस्त पुष्प अलंकार को धारण करी वस्त्र धारण करी बेश श्रृंगार रे शयन जाइतिले। गतकालीर बेश श्रृंगार प्रभुंकर मैलम करा जीव। गुटिए दिनर सकाळ आरंभ हला आजिर बेश महाप्रभुंकर आरंभ हेबा पूर्वरु समस्त गतकालीर बेश को से मैलम करिथांति आदेश देइथांति। जाहु ता सहित सूर्य नारायणकर दर्शन करुथिले चिंता करुथिले ए शरीर मन को सुस्थ रखिबा उत्तम स्वास्थ्य ही जीवनर चरम लक्ष्य। उत्तम स्वास्थ्य पाई ही प्राणायाम ध्यान योग आवश्यक। तेणु जो साधु संतंकर जीवन शैली तांकर जीवन अतिवाहित करिबा तांकर चरम लक्ष्य परम लक्ष्य विभु कृपा परमात्मा तत्व प्राप्ति हेबा सेमानकर थला। से परमात्मा तत्व प्राप्ति हेबा पूर्वर जो ध्यानस्थ हेउथले भजन कीर्तन करुथले प्रभुंकर स्मरण चिंतन करुथले जद्वारा से आध्यात्मिक मार्ग जो कहा जाए विकास हेउथला सेमानकर बौद्धिक विकास होता मानसिक स्तर रे विकास होता शारीरिक स्तर रे मध्य विकास होता। कहीं जो जीवन शैली परिवर्तन धारारे से रही थे जड़े ऋषि थे मंत्रद्रष्टा ऋषि कहा जाए। मंत्रद्रष्टा ऋषि तांको ना हूँ निन्नार्द से मुक्त कंठ रे घोषणा कर एक शत वर्ष बंचिबा मानव जीवन तार चरम परम लक्ष्य हासिल निमन्ते उद्यम करिबा आवश्यक। आगे आमर कहा जाए शहे वर्ष बंचुले शहे वर्ष बंचिकी तांकर जीवन शैली को श्रृंखलित भाव रे निरोग भाव रे उत्तम स्वास्थ्य सहित मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक विकास सहित पुराणा लोक माने शहे वर्ष बंची जाउतले। एबे किंतु आमे बयस तार कमी कमी जाइछि सहे नाही सतुरी धरा जाउछि। तेणु जो प्रकार जीवन चक्र जीवन शैली आमर परिवर्तन हेछि खाद्य ठारु आरंभ करि परिवेश ठारु आरंभ करि ता आमर जीवन शैली जीवन उपरे प्रभाव पड़ुछि। तेणु सेति पई कहा जाए जणे जदि एक शत वर्ष बंचिब जो बंचिबा को इच्छा करुतबा एक शत वर्ष बंची मानव जीवन तार चरम परम लक्ष्य हासिल निमन्ते करिबा आवश्यक हुए। शहे वर्ष बंची जीवन रो लक्ष्य को हासिल करिबा केमिति
ना व्यक्ति को सुस्थ सुंदर एवं जीवन लक्ष्य दीप्तिमान करिवारे साहाय्य करिथांते किए ना प्राणायाम योग ध्यान ए सब या द्वारा व्यक्ति सुख शांति आनंद पाइबार पथ पाई था। जो माने सूर्य उदय दर्शन सूर्य नारायण दर्शन करती तत्सहित किसी समय ध्यानस्थ रही था समस्त समस्त इष्ट को ध्यान करती ध्यानस्थ रहा अर्थ एकाग्रता आसी थाए योग करिबा अर्थ एकाग्रता योग रे भी आसी थाए तेणु योग प्राणायाम ये सब करिबा द्वारा ध्यान करिबा द्वारा शरीर मन भितर सुख प्राप्ति होतांती शांति प्राप्ति होतांती आनंद प्राप्ति होतांती पथ मध्य मिली जाय थाए। आमे खोजुचे टिके शांतिर पथ आमे खोजुचे टिके सुखर मार्ग आमे खोजुचे टिके आनंदर उत्स सब खोजुचे खोजिबार भितरे पाइबार जो शिक्षा रही अवलम्बन करिबा दरकार। धीरे धीरे क्रमशः सूर्यंकर उताप वृद्धि हेबारे अनुभव हेब केतेबेले ना तांकर स्वरूप को देखिदेले जो लाल वर्णर सूर्य को आम दर्शन करूले लाल वर्णर सूर्य धीरे धीरे तांकर रूपर परिवर्तन आनिले किरणर परिवर्तन मध्य होला शीतलतारु धीरे धीरे उष्मता भितर को गति करुची प्रखर उष्मता मध्य हम प्रखरतार सूर्यकिरण मध्याह्न समय आमे पाई थाउ सूर्यंकर किरण शीतलता किरण जी आवश्यकता रही थाए जीवन अतिवाहित करने चराचर जगत को समस्त प्राणी को तांकर क्षिप्र बा तीव्र उत्तप्त मध्य आवश्यकता पड़ी थाए चराचर जगत को अर्थात सूर्यंक किरण सबुबले आवश्यकता होई थाए। जो सुंदर उत्तम स्वास्थ्य कथा कहचे उत्तम स्वास्थ्य ही जिते प्रकार खाद्य उपरे रही थाए ता सत्वे भी सूर्य किरण प्रथम किरण सूर्यंकर मध्य शरीर प्रति स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य प्रति उत्तम शरीर प्रति मध्य सूर्य किरण आवश्यकता होई थाए। तेणु कहा जाए जदि जो व्यक्ति योग करुथाए ध्यान करुथांती शरीर और मन को स्पष्ट भाव रे रूपांतरित करी उत्तम स्वास्थ्य और शांत अवस्था फेरी पाते उत्तम स्वास्थ्य सहित शांत अवस्था मनर शांत अवस्था फेरी पाती केतेबेले ना प्रतिदिन जो माने उदय पर्वर अरुण देवंकर दर्शन करती सहित किसी ध्यान प्राणायाम आदि करमानक क्षेत्र में शांत अवस्था आसी थाए। यह भविष्य कौन सी आकर्षण कि प्रलोभन संकेत दिए ना आसु फलाफल शीघ्र फल प्रदान उपरे गुरुत्व देथाए। जो मैंने नित्य अभ्यास करितांकर शरीर पर कारण जिते बड़े जड़े निरे आप हाथ देवे तार हाथ पोड़ी खोला विद्युत परिवाही तार रे हाथ मारे विद्युत शक्ति हाथ को आघात करपर जो माने प्रतिदिन ध्यान अवस्था जाती योग अभ्यास करती प्राणायाम अभ्यास करती से माने तांकर प्रत्येक श्वास रे दिव्य शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभव करती प्रत्येक श्वास अनुभव करेणु निश्चित भाव रे मन भितर जिते बड़े आप चिंता करिवे देह मन इंद्रिय मानुकु नहीं ये गोटे जंत्र जो मनीष शरीर आम कह ये गोटे जंत्र जंत्र चालित जिते बड़े आम कौन सी व्यवहार करुचे सामग्री ता त्रुटि होगले जमती रही जाए
पुनश्च अकर्मण्य हो जाए। मनीष भितर जदि कौन प्रकार रोग कि व्याधि देखा जाए सी सेमती रही कारण जिते बड़े देखिए देह मन इंद्रिय मान को नहीं मनुष्य यंत्र सदृश मन मानव समाज पर गोटे बड़ उपहार मन को निज नियंत्रण रखा आवश्यक कहीं मन सबुठ शक्तिशा मन सबुठ शक्तिशा होता है तेणु मन को प्रथम स्थिर रखापी मन को सदा बेले प्रफुल्लित रखापी निजू किसी पड़ी था कारण मन जदि अशांति थाए बाक्शक्ति आप सठिक भाव करें क्या भल कथा कहे क्या घृणा करेंगे क्या प्रशंसा करेंगे क्या गाली गुलज करेंगे तेणु मन को आयत को आणवे मन को स्थिर करेंगे कारण मन को स्थिर करवा कष्टदायक जिते बड़े मन को स्थिर करेंगे से कष्टदायक होता है क्या मन भितर विभिन्न प्रकार भावना आसे मन अस्थिर मुहूर्तक मुहूर्तक भावना परिवर्तन होता है से भावना केते बड़े पवित्रतर सहित आसे पवित्र भाव आसे केते बड़े विव्रत भाव आसे केते बड़े आलस्य तो आउ केते बड़े खल प्रकृतिर भावना मध्य आसे तेणु अनियंत्रित विशृंखलित मन सबुबले मनुष्य को विपदपूर्ण रास्ता रे टाणी नहीं थाए परिचालित करिथाए विपदपूर्ण मार्ग रु ओहरी जिबा पाई शरणागत सबुटु शरणापन्न जो देखुचंती जो दृश्य देखुचंती सिंहद्वार दृश्य सिंहद्वार सम्मुख भाग रे किछि व्यक्ति विशेष को देखुचंती जो व्यक्ति विशेष चादर लुगा धोती चादर पिंधिक आसी था प्रायत तो प्रभुंकर दर्शन समय जो मैंने प्रातः समय आसी था प्रभुंकर बड़ देलु को से मैंने धोती चादर बा यही वस्त्र स्वतंत्र वस्त्र गोटे रही था कह जाए ठाकुर घर को गला गला बेले आम वस्त्र परिवर्तन करी था मन पवित्र रही था शरीर पवित्र रही था वस्त्र मध्य पवित्र तार वस्त्र स्वच्छ वस्त्र पिंधि था केवल भगवान को प्राणायाम करने भगवान को पूजा अर्चना करने मन भितर सुत आसी थाए आते परिष्कार परिच्छन्नता रहिबे पोशाक ठारु आरंभ करी परिवेश ठारु आरंभ करी नित्य व्यवहार्य जिनस सदा बेले परिष्कार परिच्छन्नता रहुतिबे आपे आपे मन देखिबे आपणकर परिष्कार हेजिव मन भितर कौन प्रकार द्वंद्व रही नथिबो निर्द्वंद मन हेजिव निर्भीक मन हेजिव जो माने परिष्कार परिच्छन्नता रही था मन को नियंत्रण करिबा क्षेत्र में पोशाकर मध्य प्रभाव रही थाए इभली पोशाक पिंधिबा जहाँ मनर उपर प्रभाव रही थाए कहीं समस्ते कहते आहार ठारु आरंभ करी पोशाक ठारु आरंभ करी परिवेश ठारु आरंभ करी नित्य व्यवहार्य जहाँ सहित बेसी समय आम संपर्क रहिबो से भी मध्य परिष्कार परिच्छन्नता रहिबा आवश्यक तबे मन निश्चित भाव मन उपर प्रभाव पड़िबो मनर भावना परिष्कार हेजिबो स्वच्छ हेजिबो निर्मल हेजिबो पवित्र हेजिबो आउ मनुष्य को विपदपूर्ण रास्ता रे जीवा को पड़ी न थाए तेणु क्षण क्षण के विपद रही जीवन को किए वर्तमान आउ प्रति मुहूर्त कौन हम से कथा क्या जाना न था जदि मानि नहीं शरणागति भाव नहीं आसी विपद को आम चिन्हानी कौन विपद आसवा आम ताकू चिंता करवा ना कहीं चिंता करें कौन हम आम जाने जदि आग को कौन हम आम जाने ता प्रति चिंता कर किछ लाभ ना जहाँ प्रति चिंता कले आमर लाभ अच्छी से चिंता करवा दरकार आमर को प्रति चिंता करवा दरकार
ना प्रभुंकर शरणागति शरणापन्नर भाव सृष्टि करिबा आमर चिंता करिबा दरकार। कौन हम कौन ना प्रभु मु जानिनी, किंतु मते आपण स्वाधीनता देइचंती शरणापन्नर भाव आणिबा पई आपण मते पूर्ण स्वाधीनता देइचंती। भगवान मनुष्य को स्वाधीनता पुणी पूर्ण स्वाधीनता देइचंती भावना रे। सेथिपे आमे कहिचे कि का मनर राजा नुहंती, समस्ते समस्ते मनर राजा, कई का मनरे राजा नुहंती। आम कथा छलरे मध्य आमे प्रकाश करू, एहा मध्य प्रकाश करू कि का भाव भीतर आमे प्रवेश करि परिबे, कि कोन भावुची आमे जाणी परिबा नै, कैंकना भावर स्वाधीनता प्रभु निजे देइचंती। भाव को आमे सदुपयोग करिबा, जदि भगवान आमको स्वाधीनता भाविबा पा देइचंती बा भावना देइचंती, ता माने नुहे आमे परर अनिष्ट करिबा, परर कुचिंता करिबा, परर अपकार चिंता करिबा, ये भावना। सकाळ उठिबे कार क्षतिर चिंता करिबे, से लोकटीर मु क्षति करिबे। सकाळ उठिबे से लोकटी काही कि भलरे चलुची, ता प्रति मु समय दे अन्वेषण चिंता करिबे। से चिंता कौन हम, निजर क्षति हम, परिवार क्षति हम, घर क्षति हम, समाज क्षति हम, समस्त क्षतिटा समस्त मंद। जमी गोटे शब्द मंद अर्थ खराब, मंद कहतु खराब कहतु अनिष्ट कहतु क्षति कहतु जहा कहतु गोटे भावार्थ। आपण खराब चिंता करिवे, आपणकर खराब चिंता द्वारा आपणकर क्षति हेबो, आपणकर परिवारर क्षति हेबो, समाज आपणकर समाजर भी क्षति हेबो। क्षतिटा खराबटा मंदटा सबुबेले मंद खराब क्षति, भलटा जदि भल चिंता करिवे आपणक पई भल, परिवार पई भल, समाज पई भल, जीवन अतिवाहित करिबा पई भल। तेणु स्वाधीनता भगवान देइचंती कौन पई, भाविबार भावनार स्वाधीनता भगवान देले मनुष्य को कौन पई, ना भल कथा भाविब, भलरे रहिब, भलरे जीवन अतिवाहित करिब, भलरे भलरे भगवान को सहित संबंध स्थापन करिब। स्वाधीनता तेणु देले, स्वाधीनता देइनाती मते भगवान स्वाधीनता देइचंती भाविबार माने मु परर अमंगल भावना करिबे, ताहेले क्षतिटा आपण सहिबा सहित से क्षतिटा दिने ना दिने आपणक परिवार भितर को जीव, परिवार भितर को जाई समाज को आसीब। कदापि चिंता करिबे नै काहर अमंगल, कारण जे पांचे परर मंद तापांचंति गोविंद। परर अमंगल चिंता करिबा ही विपद को टाणी आणिबा सहित समान, परर अपकार करिबा ही विपद को टाणी आणिबा सहित समान। करिबा दूरर कथा, अपकार करिबा दूरर कथा, अपकार चिंता कले ही आपणकर क्षति। जदि आपण सबुबेले चाहंती लाभ, कारण दुईटी जिनिष रही, गोटे लाभ रही गोटे क्षति रही। लाभ हेले प्रसन्न होचंती, शांति अनुभव करुचंती, आनंदर उत्स को पाई जाउचंती लाभ हेले। क्षति हेले आपणकर मनोबल भांगी जाउची, क्रोध आसुची, क्रोधान्वित अवस्था रे जहा किछि घटै थांती ताहा क्षति ही हेथाय, जीवन प्रति क्षति आसी थाय, सब किछि समस्या रे जोड़ी ही जानती बा आबद्ध ही जानती। तेणु चिंता सब बेले भगवान को प्रति रहिबा आवश्यक, भावना भगवान को प्रति रहिबा आवश्यक, कारण मनुष्य को पूर्ण स्वाधीनता देले भाविबा पई भावनार भगवान निजे देले। काहे कि ना भगवान देइचंती भाविबा पई, से चिंता करिब भगवान को कथा, चिंता भगवान को कथा चिंता कले ही इंद्रिय
समस्त इंद्रिय खाली मन नुह समस्त इंद्रिय नियंत्रित हो जाते जो कहुए अनियंत्रित विशृंखलित मन मनुष्य को सब बेले विपदपूर्ण रास्ता को टाणी नहीं थाए विपदपूर्ण रास्ता ता जीवन में देख न थाए। श्रृंखलित मनर भावता मन भितर प्रभु ही भरी था अर्थात भगवान मन को नियंत्रण कर तेबे मन को किपर नियंत्रण कर जितेबले मन नियंत्रण अनियंत्रित मन अर्जुन भगवान को कहिले भगवान श्रीकृष्ण पचारिथिले अर्जुन कहिले हे कृष्ण ए मन को नियंत्रण करिबा एते सहज नुहे या सबुबले सांसारिक भोग विलास रे निमग्न रहे। उत्तर रे मध्य भगवान कहिले हे अर्जुन एकता सत्य तुम्हें जहाँ कहिल निसंदेह रे कुहा जाई पारे जे ए मन भोग विलास प्रिय या को नियंत्रण करिबा कष्ट साधक कष्टदायक किंतु मने रख अर्जुन निरविच्छिन्न ध्यान त्याग बल रे तुम्हें मन को नियंत्रण करि पारिब निरविच्छिन्न भाव रे ध्यानस्थ रहिब ध्यान द्वारा निश्चित भाव रे मन को नियंत्रण करि पारिब त्याग बल रे भी मन को नियंत्रण करि पारिब। प्रथमे त्यागी हे जीवा त्याग सिखिबा किछि त्याग करिबा को पड़िब कुंठाबद्ध करिबा नै जदि किसी त्याग करने को पड़ी अकुंठ चित्तर त्याग करदे दरकार त्याग बल मनरु मन को नियंत्रण करें कारण पक्षी मानकर ये दृश्य को देखिले अनेक किसी आम भगवान सृष्टि आम शिखी था मनीष शिखी थाए शिखी थाए मनीष शिखी थाए शिखी थाए अनेक पारा एकत्रित होती ये शिक्षा मध्य देले एकाठी रहिबा पाई एकाठी खाइबा पाई ये शिक्षा को आपण जदि भाबिबे कह भगवान आमको भावना शक्ति संपूर्ण स्वाधीनता देले आमे भाबिबा कौन हाँ पारा माने तो खाउचंती आउ हालुका भावे जदि नहीं जिबे ताले हालुका भावे पळेबे नाही पारा अनेक पारा एकाठी बसी खाउचंती एकत्रितर भाव तांकुटी शिखिबा एवं एकाठी बसी खाइबार आनंद एकाठी बसी खाइले अमृत खाइबार अनुभव हुए एकाठी बसी खाइबार भगवत कृपा मध्य होइताए एकाठी बसी खाइबार शांति अनुभव मध्य आसीथाए। कुंती एबे भी आमे पारिवारिक भितरे कुंती अरे से जुआडे जाउछु जा खाइला बेलकु पलै आसिबु काई कुंत एकत्रित भावे परिवार रे एकाठी बसी खाइबार जो आनंद मिली थाए भगवान कर कृपा मिली थाए एकाठी बसी खाइबार जो स्वास्थ्य प्रति खाद्यर प्रभाव पड़ी थाए मन प्रति प्रभाव पड़ी थाए से उत्तम स्वास्थ्य जीवन धारा रे आवश्यकता पड़ी थाए। आजिकल मनुष्य सब शिखी आजिकल एकाठी बसी किए खाऊ एकाठी रहुचंती ना नाही एकाठी रही पारुना एकाठी खाउचंती ना नाही एकाठी खाई पारुना काहीं की आगे जौथ परिवार रे जो घर मानंकरे वर्तमान 100 ग्राम रोसई सामग्री रे रोसई हे जाउची पूर्व काल रे जौथ परिवार जते बेले थिला प्रत्यय भोजीर द्रव्य आवश्यकता होता रोष द्रव्य कारण अनेक परिवार एकाठी रोते एकत्रित भाव रोते वर्तमान से परंपरा लिभिगला केतक अंश रही जो अंश रही से क्षेत्र से माने वास्तव जीवन अनुभव सी पाती तेणु एकत्रित हवा एकाठी भोजन करवा एकाठी रहा से जो कृपा प्रभुंकर मिले मन भितर आनंद उत्स मिले माँ लक्ष्मीकर कृपा मध्य मिली थाए जो घरे एकत्रित एकत्रितार भाव थाए एकाठी रहिबार
भावना करी थांती से घरे लक्ष्मीकर कृपा रही थाए से घर को सुख आसी थाए से घर को धनधान्य आसी थाए जश आसी थाए समृद्धि आसी थाए सबकि प्रदायनी होती माँ लक्ष्मी तेणु माँ को कोपदृष्टि नुहे माँ को शुभ दृष्टि पड़ी थाए तेणु समस्त से कई चाहते नहीं कोपदृष्टि को समस्त शुभ दृष्टि को चाहिए जमती आज कह शनिवार प्रायतः भयभीत हमें शनि ठाकुर कथा पड़गले समस्त कहते शनि कोप न पड़ू शनि शुभ दृष्टि पड़ापाई नानादी प्रकार उपचार करनि मेला ठारु आरंभ कर शनि दर्शन ठारु आरंभ कर दिन दुखी दरिद्र नारायण सेवा ठू आरंभ कर गोमाता जीवे दया ठारु आरंभ कर सबु प्रकार उपचार करी केवल ग्रह मानक शुभ दृष्टि पड़ू पुणी शनि शुभ दृष्टि पड़ू ए मन भितर भय आसी थाए कि जो माने मन सहित शरीर सहित किसी तर संपर्क ध्यान एवं योग प्राणायाम सहित रखी था मन भितर से भय आसी न थाए कहीं सी जानी सदा मुँह हूँ आश्रित ए मन शरीर भगवान मन एवं श्वास मध्य निविड़ संपर्क रही थाए जो श्वास प्रश्वास निश्वास आम कहे मन भितर तार निविड़ संपर्क से कहगला मन एवं श्वास भितर निविड़ संपर्क रही थाए गोटी को नियंत्रण कले अन्यटी स्वतः नियंत्रण होइथाय जो ध्यान कथा प्राणायाम कथा कहे मन को नियंत्रण करंतु कि श्वास को नियंत्रण करिवे निश्वास प्रश्वास को नियंत्रण अर्थ आपण किसी समय प्राणायाम योग करिवे ध्यान हेबे मन नियंत्रण हो जाए कारण मन एवं श्वास गोटे सूतार से बंधा ही था सूतार लंब जिते कम हम कम करते कौन हम गुड़ी से पाख को आसब एपरिक हाथ मुठा को हाथ पाख को मध्य आसीज आम जिते साधना करवा प्राणायाम करवा सिद्धप्राप्त हो जा साधक हो जा भगवान पाख को आम चली जावा भगवान आम पाख को चली आस भक्त पाख को भगवान आसी था सदा बेले जे भक्ति भाव रखिला प्रभु ईश्वर भक्ति ईश्वर प्रति श्रद्धा विश्वास प्रकटित कला भगवान ताखे प्रकटित हो जाते आम विश्वास प्रकट करवा भगवान निजे प्रकट हे तेणु कहा जाए विश्वास मूले हरि विश्वास मूले हरि तेणु जितेबले आम किसी श्वास प्रश्वास को नियंत्रण करवा कौशल शिखि मन आपे आपे स्थिर हो श्वास प्रश्वास को नियंत्रण करने कौशल पाइबापर से अभ्यास करवा आपे आपे मन स्थिर अस्थिर मन स्थिर हो कारण समस्त इंद्रिय मानकर राजा होती मन मन रजा कह जाए मनर रजा कई का मनर रजा नुहत बिल आम भी कही जिते इंद्रिय अच्छे समस्त इंद्रिय मानकर राजा होती मन मनर राजा हूँ श्वास इंद्रिय मानकर राजा मन मनर राजा श्वास श्वास स्थिर हेले निश्वास प्रश्वास जो श्वास स्थिर जदि होगला मन स्थिर हेब श्वास नियंत्रण ही आत्मनियंत्रण श्वास को जय करिवे आत्म को जय करिवे श्वासहीन अवस्था ही मूर्तिहीन अवस्था जेतेबेले श्वासहीन हो जिवे मरीगला भली आपन को लागिवो सत्य के प्राण छाड़ी जिवो तेणु से स्वास्थ्य भल उत्तम स्वास्थ्य श्वासहीन श्वास को नियंत्रण करिवे
श्वास को जय करिवे आत्मा को जय करि जिवे कारण जेते बेले देखंतु आपण धीर ओ नियमित श्वास प्रश्वास मन को स्थिर करिबा संगे संगे स्मृति शक्ति को मध्य प्रखर करिथाय एक कथा को भूली जिवेनी पिला माने अछंती पिला मानंक पई भी किछि करिबा युवक मानक पई किछि करिबार रहिथाय खाली स्वास्थ्य कथा कहिबा मन इंद्रिय कथा कहिबा परिणत वयस मानक पई ता नुहे विशेष भाव रे मन को नियंत्रण करिबा कथा युवक माने युवगोष्ठींकर अस्थिरता मन रहिता से स्थिरता को सेमाने चाहिबा दरकार निजे न चाहिला पर्यंत किछि हबनि आपण जेते चेष्टा करिवे आपण को जेते प्रवर्तक माने प्रवर्तेइबे बा शिक्षा गुरु माने शिक्षा देबे जो प्रकार शिक्षा आपण ग्रहण करंतु निजर इच्छा शक्ति नथिबो निजर मन सतिरे नथिबो निजे चाहु नथिबे कौनसी प्रकार जिते शिक्षा ग्रहण कले भी ता फलप्रद हबो नाही तेणु निजक किछि करिबाकु पड़िथाय निजर मनोबल को नियंत्रण करिबाकु पड़िथाय निजर धीर अवस्था को आसिबाकु पड़िथाय तेणु धीर ओ नियमित श्वास प्रश्वास मन को तो स्थिर करिथाय मन स्थिर हेबा सहित स्मृति शक्ति प्रखर हेथाय मन रखिबार शक्ति बढ़ी जाइथाय यहा ध्यान पाई उपयुक्त यहा ध्यान पाई उपयुक्त मूलद्वा स्थापन करिथाय जो माने ध्यानस्थ रहिता शरीर रे रक्त को अम्लजान जोगई इंद्रिय गुड़ी को नियंत्रण करी मन स्थिर रखे जोगर बा जोग मनर समस्त चिंतन प्रक्रिया को नियंत्रण के सठिक मार्ग रे परिचालित करिवार सहाय्य करे काहीं कि आमे सकाळ उठिबा काहीं कि आमे सूर्यंकर दर्शन करिबा काहीं कि भगवानंकर चिंतन भजन कीर्तन करिबा प्रार्थना करिबा कौन पाई कि कौन पाई कि जेतेबेला आमे खोजिबा लाभ खोजिले कौन पाई कि चिंता कला माने किछि लाभ अछि कि किछि क्षति अछि लाभटा को आगे देखिबा सेमते लाभ को जेतेबेला आगे देखु थाए लाभर मार्ग को आग चिंता करिबा आवश्यक भाविबा मंद एवं आशा करिबा लाभ ता पूर्णांग हबो नै ए प्रभुंकर केउ बेश नै प्रभुंकर साधा बेश अवकाश बेश बोली कुआ जाय प्रभु कोनोसी प्रकार पुष्प अलंकार नाही किंबा कोनोसी प्रकार पाटमुकुटा प्रभु धारण करिना ये प्रभुंकर स्नान कालर बेश अवकाश प्रभुंकर हबो गोटे पात्र रे जल रही जल रे चंदन कर्पूर मिश्रित करी संस्कार पूजा पंडा सेवक करुचंती एवं आरंभ कले तांकर स्नान रो विधि जो प्रकार मुद्रा प्रदर्शित करी भगवानंकर पतित पावन नारायणंकर पूजा पंडा सेवक स्नान करुचंती पुष्प द्वारा जेपले दारू विग्रहंकर रत्न सिंहासन तले सेठी मध्य प्रभुंकर दर्पण सम्मुखरे प्रभुंक आगरे दर्पण थुआ जीव दर्पणिया सेवक रहिता दर्पण सेवक प्रभुंकर सम्मुखरे दर्पण रखिबे एवं प्रभुंकर अवकाश जल ओणा ठारु आरंभ करी जेतेबेले देखिबे दही महाभोई सेवक माने प्रभुंकर रहिचंती ए सकाळु जेतेबेले अवकाश नीति आरंभ हुए से दही प्रदान करिथांति दुग्ध जातीय द्रव्य जहाँ प्रभुंकर आवश्यकता हुए महाभोई सेवक माने प्रदान करिथांति स्वतंत्र सेवक से महाप्रभुंकर सकाळु जेतेबेले दही रो आवश्यकता हेथाय महाप्रभुंकर महाभोई सेवक माने देइथांति से दही चंदन कर्पूर मिश्रित जल दर्पण उपरे पड़ी थाए कारण दर्पण रे प्रभुंकर छवि प्रतिबिंब आसी थाए
किंतु महाप्रभुंकर अवकाश स्नान को कहा जाए बिंब स्नान। जो अवकाश महाप्रभुंकर स्नान नीति होइथाए महाप्रभु मंत्र स्नान करिथांती, अर्थात संपृक्त सेवक से दर्पणर सम्मुखरे रहिबा परे प्रभुंकर सम्मुखरे दर्पण रहिबा परे दर्पणरे प्रभुंकर प्रतिच्छवि प्रतिबिंबित होइथाए। से दर्पण उपरे स्नान जल को मंत्र उच्चारण पूर्वक ढाली दिया जाय थाए, प्रभुंकर स्नान नीति हेगला बोली धरा जाय थाए। से स्नान दर्पण स्नान कहा जाए, बिंब स्नान कहा जाए, प्रभुंकर मंत्र स्नान कहा जाए। ये स्नानादि कर्म, दांत घोषा कर्म प्रभुंकर गोटे शब्द कहले अवकाश, अवकाश नीति, अवकाश बेश, सेतिपाई कहा जाए अवकाश बेश, प्रथम बेश बा सादा बेश, महाप्रभुंकर प्रथम बेश। जेमती प्रथम आलती मंगल आलती, बेशप्रिय श्रृंगार प्रिय ठाकुर जगन्नाथंकर प्रतिदिन तो बेश होउचंती विभिन्न प्रकार बेश, प्रतिदिन बेश थाए। जेमती कहबे चंदन लागी बेश, बड़ श्रृंगार बेश, धूप बेश, एवं स्वतंत्र पर्वपर्वाणी बेश। जदि पर्व ये दैनदिन बेश सहित जदि पर्वपर्वाणी किसी संश्लिष्ट रही संपर्क रही पर्वपर्वाणी बेश, ए तेणु दिनक भितर महाप्रभु नानादि प्रकार बेश हूँ। जो वस्त्र पिंधि प्रथमे भोजन करिवे, द्वितीय भोजन बेलकु महाप्रभु से वस्त्र आउ पिंधिबेनि कि से पुष्प अलंकार आउ पिंधिबेनि। समय जेते व्यवधान हो, धरंतु सकाळ धूपरे प्रभु पिंधिचंती बेश श्रृंगार बढ़ी प्रभुंकर धूप सरिला, दुई घंटा चारि घंटा व्यवधान रे जदि पड़गला मध्यान धूप, ता सत्वे भी प्रभुंकर बेश श्रृंगार परिवर्तन उलागी मैलम होइथाए, पुनर्बार बेश होइथांती। सेतिपाई कहा जाए जेते थर महाप्रभु भोजन ग्रहण करती सेते थर महाप्रभुंकर बेश होइथाए। तेणु दिनक भितर अनेक प्रकार बेश, प्रथम बेश होउछि महाप्रभुंकर साधा बेश बा अवकाश बेश। जो बेश रे वर्तमान देखुचंती आपण प्रातः समय रे, ये महाप्रभुंकर प्रथम बेश। तापर से पुष्प अलंकार वस्त्र आदि पाट मुकुटा पिंधि से बेश श्रृंगार हेबे। महाप्रभु पाट मुकुटा बेश पुष्प अलंकार जेमति आकर्षण करिथांति प्रत्येक भक्त को, महाप्रभु शरीर रे किछि नथाई मध्य महाप्रभु आकर्षित कर दियंति। ए बेश को देखंतु, ए बेश रे साधारणत आमे देखि थाउ चाहि थाउ अभिलाष अधिका पाई थाउ, अनुभव अधिका पाई थाउ, पूर्ण ब्रह्मंकर पूर्ण मुखारविंद को दर्शन करी थाउ, एवं रत्न सिंहासन रे पूर्ण दारु विग्रहंकर दर्शन मिली थाए। केवल दुईटी गामुछा उत्तरीय तड़प उत्तरीय पिंधि बसिथिबे, तालपत्र भोगे प्रतिदिन ए समय आपण टिके दर्शन करुछंती। ये तालपत्र भोगे आसी थाए श्रीमंदिर को, का ये भोगेर व्यवहार अनेक रही थाए। तालपत्र भोगेर व्यवहार महाप्रसाद एथेरे नेबाठरु आरंभ करी सुखिला महाप्रसाद पर्यंत समस्त दर्शनार्थी माने दूर दूर स्थान रु जो माने आसी थांती सुरक्षित भाव रे महाप्रभुंकर महाप्रसाद नेबा पाई ये एक पात्र तालपत्र भोगे बोली कहा जाए। स्वतंत्र आंकर ए कारीगर माने अछंती तालपत्र भोगे करिबा पाई, तालपत्र भोगेर प्रस्तुति निर्माण करिबा पाई स्वतंत्र तांकर कौशल थाए। समस्त सब विद्या शिखि नथांती, किए कौ विद्यार पारंगम बा किए कौ विद्यार पारंगम हबो कि काहा को कौ विद्या देवि से निर्णय सिद्धांत भगवान नहीं थांती। समस्त सबु विद्या शिखि पारिबेनि, शिखिले भी सबु विद्यार से पारंगम हो पारिबेनि। आमे कहिछे सबु विद्यार पारंगम, किंतु विद्या केबे शेष नाही, शिखिबा केबे बंद नाही। मनुष्य
मला पर्यंत शिखब ए भाव रहा दरकार जी कह शिखिगली से तार बंद हो गला सब सफलता जी मन भितर चिंता कला मोर आज शिखबार किसी ना तार सफलतार बंध से निजे पकईदेला जो दिन एक चिंता कर जो दिन चिंता कर मुझे शिखी ना आखिबी शिखा मोर बाकी अच्छी शिखा मोर मला पर्यंत अच्छी तार विफलता के आसी नी शिखा को चाहे शिखा को आशा रखे से कहते जे ये शिखा को आशा कौ मैने रखे कौ मैने कहते मुझे शिखी ना मोर अभाव का पाखे न थाए से ईश्वर भक्ति प्रभुंर शरणागत जी शरणापन्न भाव थी से मानक पाखे न थाए प्रभु रखती प्रभु रखती आपण कहे थे जदि स्वीकार कर प्रभु को थे आप स्वीकार करें प्रभु आपण को मला पर्यंत स्वीकार करें आप प्रभु को थे स्वीकार करें भगवान मला पर्यंत जन्म जन्मांतर आपण को स्वीकार करें ए जन्म स्वीकार करे आर जन्म भी जन्मर भी आपण को स्वीकार करेंगे कारण भगवान थे स्वीकार करते आपण भी थे स्वीकार करेंगे भक्त थे स्वीकार कै गोटे जन्म पाई भगवान थे स्वीकार करती जन्म जन्म पाई तेणु जी भी आसी थाए भगवान को पाइबापी आशा रखिके आसी थाए भगवान मु प्राप्ति हेबी भगवान देबे कौन भगवान न देबे कौन एक कथा चिंता करंतु सर्वदाता से सबकिछि प्रदान करी पारंतु जे मुक्ति मोक्ष प्रदान करि देउछंति तांको पई कौन असंभव हेइथाय आम पई असंभव हबो भगवान पई असंभव कौन तेणु तांको पई सब संभव हेइथाय तांकर संभव चिंता आमे करिबा से केमिति आमकु कृपा करिबे करुणा करिबे ए कथा को चिंता जेतेबेले करिबे केते बेले आसीबे ए चिंता प्रत्येक मनुष्य करे कर्म करे मन मध्य समस्त कर्म मन को आग ए कामटी करी आग का पाख को आसे मन पाख को मन आमको जनाए मन हुए ये काम कर कहते आम भी कहीचे ए कार्यटी प्रति मोर बहुत मन अच्छी आग मन जाए तेणु मन मध्य समस्त कर्म भगवान को अर्पण करदे संसार रु नित्य वियोग हो जिवे मायारु वियोग हो जिवे आसक्ति रु वियोग हो जिवे लोभरु वियोग हो जिवे युक्त हो जिवे का सांगरे भगवान को सहित नित्य जोग नित्य युक्त हो जिवे भगवत पारायण जदि हो गले भगवान को सहित नित्य जोग प्रेम संपर्क रही गला सेतिरे नित्य जोगरे जोग नित्य जोगरे वियोग वियोगरे नित्य जोग और वियोगरे वियोग मध्य ये चारोटी अवस्था चित्त वृत्ति को नहीं हुए तेणु सदा बेले मनक्रम वचन जो कहती समस्त कर्म को भगवान पाखे अर्पण करदेवा माँ टे आसी प्रभु को दर्शन करुंच सत कि छल छल आखि से प्रभु किसी दुखर कथा कहवापी मन भितर स्थिर कर किसी दुख कथा कहीदेले भगवान हुए तो लाघव करिवे विश्वास मध्य रही था शरणागत भक्त ये देखा जाए कारण आमे जेते बेले चिंता करिबा भगवान को कथा भगवान को शरणागत भक्त समस्त गुण सत्व आसीब स्वतः गुण आसी थाए ये शरणापन्न गुण ये परिक्रमार मार्ग देखुचंत परिक्रमा मार्ग जेते बेले देखुचंत परिक्रमार मार्ग भक्त माने टिके विश्राम करी जाइचंत ये प्रशस्त स्थान बसिबार आसन एवं किसी वृक्षराजी दर्शन करुचंती
नानादि प्रकार वृक्ष तुलसी ठू आरंभ कर विभिन्न प्रकार वृक्ष परिक्रमा मार्ग दृश्यमान हो प्रत्येक दृश्य सहित आम प्रातः समय जो प्रातः भ्रमण आम करे मानसिक स्तर में आम प्रातः भ्रमण आपण गोटे घरे बसी आपण स्वस्व घरे बसी जय जगन्नाथ टीवी टी खोली किंतु आपणकर मानसिक स्तर में क्षेत्र ठारु आरंभ करी तीर्थ ठारु आरंभ करी परिक्रमा पर्यंत नीलचक्र ठारु आरंभ करी पतित पावन बाना ठारु आरंभ करी पतित पावन पर्यंत ये मन भावना भितर आपण विभिन्न प्रकार चित्र दृश्य देखुचंती सहित भगवान प्रदत्त पशु पक्षी कीट पतंग ये समस्त दृश्य मत देखुं कला रंगर लाली धड़ी लुगाटीए पूजा पंडा सेवक आणिकी आज महाप्रभुंकर पिंधेबे कारण आज शनिवार शनिवार बार अनुसार लुगा पिंधे आज शनिवार जेहेतु कला रंगर लुगा महाप्रभु धारण करेंगे तेणु लाली धड़ी कला रंगर लुगाटीए पूजा पंडा सेवक तांकर प्रभुंकर जोटी लुगा वस्त्र आदि रही काढ़ी एवं दुईट लुगा देखिले से लुगा ही पतित पावन नारायण को वस्त्र श्रृंगार आरंभ करिवे प्रणाम टीए कले सिंहासन उपरकू चढ़ पुणी थरे प्रणाम कले दुई थर प्रणाम काहीं की कले गोटे प्रणाम होते आपण जे भी सीधा प्रसारण देखुं मनरे आसब थरे प्रणाम कले सिंहासन उपरको उठिले आउ थरे प्रणाम कले अर्थात भगवान जो उपचार करा जाए प्रति उपचार रे समर्पित होगा दरकार गोटे उपचार षोडश उपचार अच्छी पंच उपचार अच्छी सहस्र उपचार अच्छी विभिन्न प्रकार उपचार गोटे उपचार करेंगे प्रभुंकर कौन करेंगे ना प्रभुंकर वस्त्र श्रृंगार श्रीअंगे प्रभु को लग करेंगे से सेवाटी करने को सिंहासन उपरको जीवा पड़ो गुमुट उपरको जीवा पड़ो तेणु प्रभु जो गुमुटे विराजमान कर प्रभुंकर आस्थान उपरको जीवा प्रभु अनुमति दरकार प्रणाम टीए कले हे परात्पर परमेश्वर प्रभु पतित पावन देव आपणकर वेश श्रृंगार करने निम्ते सेवा को संपन्न करने अर्थे आपणकर सिंहासन पाखक जावाक हम आपण आस्थान को चढ़ाक हम अनुमति प्रदान करतु प्रथम प्रणाम कले सिंहासन उपरको गुमुट उपरको गले द्वितीय प्रणाम कले से द्वितीय प्रणाम काहीं कले द्वितीय प्रणाम एथिपाई कले भगवान श्रीअंग को स्पर्श करने पूर्व अंग स्पर्श करने पूर्व अनुमति नहीं था सेवक हेले भी अनुमति नहीं था भगवान ठारु द्वितीय प्रणाम कले प्रभु श्रीअंग स्पर्श करिवार बा श्री श्रीअंग स्पर्श करी साड़ी लुगा पिंधेबार सेवा करने आसी अनुमति प्रदान करवा मणिमा अनुमति मागिले बिना अनुमति रे कौन सी सेवा को संपन्न करते ना कौन सी सेवक सेवा करिवा पूर्वर अनुमति मागी था सेवा बढ़िबा परे मेलाणी अनुमति मागी था प्रभु सेवा संपन्न हैला त्रुटि तेले क्षमा प्रार्थना करिवे कौन सी प्रकार ज्ञात अज्ञात त्रुटि जदि सेवा अर्पण रे थाए ताहा क्षमा करदेवे क्षमार सगर हरी मेलाणी मगुचे तेरे सबू नीति विधान श्रद्धा सुमन सहित कले भगवान देवता कर्म सहज नुह देवता पूजा अर्चना सहज नुह से क्या जाए देवकर्म करने को निष्ठा से पवित्रता से स्वच्छ रहा आवश्यक मन काया वाक्य ठार आरंभ कर वस्त्र शरीर पर्यंत त्रुटि द्वारा कले ही निष्फल प्राप्ति एवं दंड प्राप्ति मध्य दंड भी रही था दंड देव कि प्रभु से दंड को मोचन करती दंड भी प्रदान करती दंड नाश करिवे दंड को मोचन करिवे दंड प्रदान भी मध्य करती इच्छामय इच्छा तांकर केते बेले को इच्छा तांकर हला तेणु जहाँ किछ आमे
उपचार देखुचे से भगवान को प्रत्यार्थे सब करी थांते भगवान को प्रसन्नार्थे जहाँ भी करा जाए सेवा करा जाए प्रसन्नता पाई प्रभु प्रसन्न हेले प्रभु प्रीत हेले संसार रा मंगल हबो सेवक सेवा करती प्रभु को जनाती कौन प्रभु संसार रा मंगल हेउ संसार रा मंगल करंतु हे मणिमा करंती जने सेवा प्रभु को पाकरे किंतु प्रभु प्रीत हुंत कि सेवा टिए करी माने प्रभु को प्रसन्न प्रसन्न समय रे प्रभु को प्रभु केते बेले प्रसन्न हुंत ना जे अन्यर भल चिंता चाहिता है अन्यर उपकार चिंता चाहिता है अन्यर मंगल पई प्रभु को पाकरे प्रार्थना करिता है अधिक प्रसन्न हुंत प्रभु प्रीत हुंत कारण भगवान भावंत ये मो सृष्टि चिंता टिके करूछ समस्त मंगल कामनार्थ ये भगवान सृष्टि प्रत्येक जीवे दया ठू आरंभ कर दिन दुखी दया पर्यंत जहाँ कहे भगवान प्रसन्न प्रीत होता तेणु से प्रीत्यार्थे भगवान प्रसन्नार्थे आम सबकि उपवास व्रत ध्यान जप तप जाग यज्ञ सबकि प्रीत्यार्थे भगवान प्रीत हो गले जगत आनंदमय हो सदानंद जब आनंदित तो हो अखंड आनंद प्रदान करदे अनंत आनंद प्रदान करदे भक्त बंधु प्रातः समय रे पतित पावन देवों ठार आरंभ मंगल आरती द्वार फिटा ठार दर्शन कले मंगल आरती दर्शन पर सूर्य नारायण दर्शन एवं ए शरीर रे अंग प्रत्येक प्रत्येक इंद्रियर रजा मन को किभली भाव नियंत्रण करवा मनर रजा श्वास को किभली नियंत्रण करवा से संपर्क में प्रभुंकर कृपा है चेष्टा आमर भावना आमर ते सदा सर्वदा भावना प्रभु पाखे था हे प्रभु जगत ठाकुर जगन्नाथ आपण पदार बिंदर ए भावना था आपण पाद दर्शन करू था आसतु प्रातः समय टी पारंपरिक भजन टी श्रवण करवा भजन श्रवण पूर्वक मन आहुरी सेतिक भावमय करी भक्तिमय करी प्रभुंकर अनेक तथ्य आज रही तथ्य संपर्क रे विद्वान पंडित माने तांकर व्याख्या करिवे प्रातः समय रो धारा बिवरणी रे श्रवण करिवा प्रभुंकर कृपा लभिवा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।